पंजाब में 13 साल तक जारी रहे आतंकवाद के काले दौर में 30,000 निर्दोष हिंदुओं की निर्मम हत्याएं की गई, लेकिन आज तक तो किसी ने उनकी सुध नहीं ली और न ही उन्हें इंसाफ मिल पाया। परशुराम सेना सहित विभिन्न हिंदू संगठनों ने उन 30,000 शहीदों के लिए इंसाफ मांगने का बीड़ा उठाया है। इसी दिशा में सभी समविचारक संगठनों को साथ लेकर शांति और न्याय के लिए मार्च फॉर जस्टिस एंड पीस का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी सेना के जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने प्रेस क्लब में हुई पत्रकार वार्ता में दी। होशियारपुर से सुनील लाखा, आजाद टीवी न्यूज .in के लिए। इलेक्शन जे ये इंसाफ ना दिता गया तो साड़ी जागृति अगली ये होगी कि असी वोटा का बहिष्कार करने लोगों जागृत। ये मार्च साडा आगाज है सरकार को चेतान ली कि या तो इस आने वाले इलेक्शन इन्हू ना दोहराया जा, यही इसी वो आधार से इलेक्शन ना लड़े जा। असी इस आधार से इलेक्शन नहीं करनी है। साडा मोटिव है जी, जिहड़े पंजाब 13 साल चलिया आतंकवाद के दौर दे विच मारे गए हिंदू परिवारां नूं इंसाफ दिवाउण लई असीं एक मुहिम छेड़ रहे हैं, जिहदा स्लोगन साडा हैगा वी वॉन्ट जस्टिस वी वॉन्ट पीस। असीं इह सारिआं नूं एक आवाज़ बुलंद करन लई एक मार्च कढ़ांगे, जिस मार्च दे विच साडा जिहड़ा मोटिव इह होऊंगा कि हर संगठन नूं हर मतलब इस चीज़ नूं ये आपां ऐलान करिए, इंसाफ की गुहार नूं एक मंच ते लैके आईए कि जिहड़े हिंदू परिवार निर्दोष परिवार जिहड़े हिंदू उस वेले बसां चों कट कट मारे गए सी उन्हां नूं भी इंसाफ की गुहार लाने का हक हैगा आ। क्या कोई ऐसा संगठन, क्या कोई ऐसा सरकारी मंत्री, क्या कोई ऐसा स्टार प्रचारक इस चीज़ नूं इस इंसाफ नूं दवाउण लई साडे नाल शामिल होऊंगा? क्या इस आवाज़ नूं बुलंद करके सरकार नूं असीं मजबूर कर सकांगे? असीं इदां दा मार्च कढ़ांगे कि सरकार नूं मजबूर करिए कि 84 दे इलैक्शन बार बार ना दोहराए जाण।